उन्हें नहीं किया था। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एंगलर सेंटर्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष हमने तिलपिया, बाम्बी, बाम मछली का शिकार करने का सोचा और उसी के अनुसार हमने आज चारा के रूप में हमने अर्थवर्म केचुआ का इस्तेमाल किया है, जो आप सबों को पता है कि तिलपिया और बाम मछली इसे बहुत अच्छे तरीके से पसंद है और इस पर बहुत ज़्यादा उनका शिकार होता है। खाली नोच रहा था, छोटका बंसी पाया ना, लिए दिया इसके मुंह में। निकालो निकालो, कैमरा में फोकस कराइए थोड़ा। 1 किलो का होगा ये वाला था। यही घूम रहा मेरा वाला पाया था तो ऊंचा मार निकल गया। दो को बंसी है ये निकल मेरा। ठीक है ना, फटिया गया ऐसा करके झटका मारा थोड़ा। इसका ऐसा करके निकालो और कांटा को निकाल लेना। वही वाला खाया कि दूसरा है? दो को तो था, अगल बगल था, कौन खाया? अच्छा खोचा लगा है ये तो है। ये है बोला दूसरा खाया है? दूसरा खाया, दो को था तो बोल रहा है। एक और कहीं जाके ऐसा करके ले ले, ये जो घूम रहा था ना वो वाला खाया है। ऐसे भाई है, अब ये वो मछली है, जाली लाए है ना। हां, वीडियो में आप देख सकते हैं हमने जब स्पॉट पर पहुंचे और जैसे ही हमने अपना कांटा वगैरह डाला, उसके बाद से मौसम, कभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश कभी भी शुरू हो जाती है। आज का मौसम भी सवेरे में धूप खिली हुई थी, लेकिन जैसे ही हम शिकार पर निकले मौसम ख़राब होने लगा और बीच बीच में पानी आना जाना लगा रहा। वीडियो में आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और मछली का भी शिकार हो रहा है। पहला शिकार हमने बड़ा एक अच्छे साइज का तिलपिया मछली का शिकार किया, जिसे दोस्त ने मारा।
दूसरा शिकार बाम का हुआ जो छोटे साइज का है। बारिश इतनी थी कि सभी सामान को इधर उधर करने और अपने आप को भी बचाने के लिए हम बगल ही में एक छोटा घर बना हुआ है उसी में हम रुके। इसी बीच में दोस्त ने एक और तिलपिया का शिकार किया लेकिन बारिश और ऊंचाई की वजह से उसे नहीं निकाल पाया, मछली कांटे से छूट गई। तो आज हमने बहुत अच्छा ही शिकार हमें मिला। वीडियो को पूरी देखें, एंजॉय करें। किसी तरीके की जानकारी लेने के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे एंग्लर्स दोस्तों के लिए एक सुझाव है कि अभी बारिश चल रही है, बारिश में आप शिकार बहुत ज़्यादा होता है, शिकार करने के जाने के समय आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके जाइए, छाता, रेनकोट और ये सारे चीज़ें लेकर के आप जाइए। साथ ही साथ आप कार्बन रोड का इस्तेमाल ना करें क्योंकि थंडरिंग या बिजली के वजह से उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ऐसे रोड का इस्तेमाल करें जो जिसमें आपको लगे कि हाँ ये थंडरिंग में ऐसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे हर रोड में मेंशन किया हुआ रहता है कि कौन सा रोड कार्बन है और किसमें थंडरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी जानकारी आप जहाँ से लेते हैं उनसे ही पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ छोटे छोटे टिप्स मैं अपने वीडियो में डालता रहता हूँ, आप वीडियो को पूरी तरीके से देखें, इसे इंजॉय करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैवी है? हैवी तो है, आराम से आराम से। नीचे नीचे ही रखो उसको, नीचे रखो, ऊपर मत निकालो। उसको सामने करके निकलाना, उतरना पड़ेगा नीचे, लैंडिंग नहीं लाए, देखना भागेगा भागेगा, उतरना पड़ेगा उतरना पड़ेगा। इधर लाना वो इधर उधर, धीरे से जाने दो जाने दो। एकदम सामने लाना फिर उसका गलफड़ा में डाल देना, पूरा किनारे कीजिए, पूरा किनारे कीजिए। हो गया, अरे टूट गया मछली, निकल गया। लैंडिंग में फोन कर, कौन वाला करिया।
टेस्ट पसंद नहीं है, काला वाला है ना। करिया माल पसंद नहीं आ रहा। अभी आगे करिया माल दे ले। ओ हाँ, अभी कौन लगा करिया माल तो बीच आके ले गया था, बड़के ना चिंगड़ी दिए थे। हाँ गया लगा। है कट दिए छूट गया। भागा तो उधर रहे साला, किस्मत खराब है। छूट गया। हाँ अबे अभी मुंह का सामने से भागा इधर से। अरे बड़े सा साइज बुआरी था। चला चला यही साइज है। क्या बड़ा क्या छोटा। उन्हें नहीं किया, उन्हें नहीं किए थे। पहले किसान मारे मंकी, तो मंकी हार्ट है।